हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 12 5G फोन को रीसेट कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फोन को रीसेट कैसे करेंगे, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप अपने फोन को रीसेट करते हैं तो जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने फोन को जैसे रीसेट करेंगे तुरंत जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने फोन के प्रॉब्लम के हिसाब से अपने फोन को रीसेट करेंगे तो हो सकता है जो आपका डाटा है वो डिलीट ना हो। पहले आपको अपने फोन की प्रॉब्लम समझना होगा और इसके बाद जो रीसेट की सेटिंग है उसे समझना होगा। तो हो सकता है जब ये चीज आपको समझ में आ जाए तो जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। तो अपने फोन को रीसेट कैसे करना है, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे अपने सेटिंग को ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाता है, और इस तरह से आपको अपने सेटिंग को ओपन कर लेना। थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे रीसेट फोन, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन फोन को रीसेट करने के लिए होता है, लेकिन ये अलग अलग प्रॉब्लम के लिए रीसेट करने के लिए दिया। यहाँ पे तीन सेटिंग है तो तीनों अलग अलग है और ये अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से रीसेट करने के लिए दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर में आपको मिलता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। अगर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तब आप यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करके अपने फोन को रीसेट करेंगे ये वाले ऑप्शन पे। दोस्तों, नेटवर्क में होता है जैसे आपके सिम नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गया, आपने सिम लगाया सिम नहीं उठा रहा, या सिम नेटवर्क बार बार छोड़ देता है नहीं आ रहा नेटवर्क, तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर क्लिक करके अपने सिम या नेटवर्क को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके वाईफाई में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या हॉट स्पॉट में कोई प्रॉब्लम आता है या कोई ब्लूटूथ में प्रॉब्लम आता है तब भी आप अपने नेटवर्क को इसी वाले ऑप्शन से रीसेट करेंगे। जो आपका हॉट स्पॉट प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, जो वाईफाई प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और जो ब्लूटूथ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये वाले ऑप्शन से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर इस चीजों में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फोन को रीसेट करेंगे। आप इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड होगा उसको एंटर कर देना है, और इसके बाद जो नेटवर्क है आपका रीसेट हो जाएगा और फिर से काम करने लग जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। नीचे मिलता है आपको रीसेट ऑल सेटिंग। अगर आपको कोई सेटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे हम अपने फोन में कुछ सेटिंग ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें कुछ गलत सेटिंग ऑन हो जाता है, बाद में हम इसको सेट नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है जब हम उसको सेट नहीं कर पाते। तो हम जब सेटिंग नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो क्या करते हैं, अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं, तो उसमें डाटा है जो डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आपके सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रीसेट करना है। जब आप इस पर क्लिक करके रीसेट करेंगे तो जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा, जो आपका सेटिंग है बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल नए फोन के जैसा आपका सेटिंग हो जाएगा, लेकिन जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। तो आपको पहले अपने देख लेना है फोन में जो भी प्रॉब्लम हो आपके सेटिंग में होना चाहिए। अगर आपके सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फोन को रीसेट कर लेना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर करना है। इसके बाद जो आपका सेटिंग है रीसेट हो जाएगा, जो आपका सेटिंग है बिल्कुल नए फोन के जैसा हो जाएगा, जैसे नए फोन में सेटिंग आता है बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा, और फिर से जिस सेटिंग को आपको ऑन ऑफ करना है या यूज करना है उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है एरेज ऑल डाटा। अगर आपका फोन हैंग करता है या आप अपने फोन को पूरी तरह से खाली करना चाहते हैं, या आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, या आपके फोन में वायरस ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रीसेट करना है। यहाँ से क्या होगा, जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, आपके फोन का सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, आपका फोन पूरी तरह से खाली हो जाएगा। जिस तरह से आप नया फोन लाते हैं बिल्कुल नए फोन के जैसा हो जाएगा, आपके फोन में कोई भी डाटा नहीं बचेगा, चाहे फोटो वीडियो आईडी आपका कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फोन को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर करना है, जो आपका फोन है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन पूरी तरह से खाली हो जाएगा और फिर से अपने फोन के अंदर डाटा को स्टोर कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने फोन को रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।